नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद कुशीनगर से। विकास कार्यों से कोसों दूर है पतरौली धुरखाणवा गांव। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान व सचिव पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भारत की आज़ादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी विकास कार्यों से कोसों दूर है उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर विकास खंड दुधई के पतरौली धुरखाणवा का यह गाँव। आज भी विकास का बाट जो रहा है। पतरौली धुरखाणवा रेल लाइन सीमा क्षेत्र के पर बसा पतरौली धुरखाणवा गांव में पिछले कई सालों से एक भी विकास योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। गांव के लोग थोड़ी बहुत खेती के अलावा जंगल एवं मजदूरी पर ही आश्रित हैं। मजदूरी के लिए उन्हें दूसरे गाँव भटकना पड़ता है। गाँव में रोजगार के अभाव, मनरेगा के तहत एक भी सरकारी योजना संचालित नहीं है। रेलवे लाइन पर बसे इस गांव का दृश्य खराब है, परंतु ग्रामीण काफ़ी कठिनाइयों के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में न तो सड़क है, न पानी और न ही स्वास्थ्य की सुविधा है। कहने को तो गांव में कई सरकारी पंप हैं, लेकिन गांव के सभी पंप बेकार पड़े हैं। गांव में तालाब का नामो निशान तक नहीं है। पानी की किल्लत को देखते हुए ग्रामीण नल का पानी पीने के उपयोग में लाते हैं, जिसके चलते अक्सर ग्रामीण बीमारियों के चपेट में आते रहते हैं। गांव में आवागमन की सुविधा नहीं है। पतरौली धुरखाणवा आने के लिए लोगों को मिट्टी की कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता है। लगभग 2 साल पहले ग्राम प्रधान चुनाव की घोषणा के बाद ग्रामीणों को उम्मीद जगी कि पतरौली धुरखाणवा का नया ग्राम प्रधान विकास करेगा, लेकिन यह भी नाकाफी रहा। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विकास कार्यों के सरकारी पैसे का बंदरबांट करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधान और सचिव के खिलाफ आक्रोश किया। इस दौरान शंभू कुशवाहा, दीनानाथ सिंह, शंभू गुप्ता, बलिस्टर सिद्दीकी, वीरेश सिंह, खुर्दशेद अंसारी, अशोक चौहान, विश्वनाथ सिंह, जयप्रकाश गिरी, शंभू चौहान, महावीर चौहान, बंधु प्रसाद चौहान, हरेंद्र इमाम हुसैन, बबलू प्रसाद, संजय चौहान, शिवराज मुसहर, सुकई सैनी, सुकई अंसारी, राहुल सिंह, राजकुमार कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बतरौली मौजा है। अच्छा, नौका टोला कहते हैं इसको। नौका टोला, ये बतलाइए आप लोगों को बसे हुए कितना दिन हो गया यहाँ पे? लगभग 40 से ऊपर ही होता है। 40 से ऊपर हो रहा है। इतने दिन के बीच में ये जो सड़क है, ये मुख्य मार्ग है दुबौली से दुधई का, और इस पर कभी खड़ंजा कितने दिन पहले का हुआ? नहीं है। आप लोग कभी अपने ग्राम प्रधान शिकायत नहीं करते हैं? क्या शिकायत करना, प्रधान नहीं समझ में आता है कौन प्रधान है कौन नहीं प्रधान है। अच्छा, आप लोग को अभी ये भी नहीं पता चल पाता है प्रधान यहाँ कौन है? तो वोट कैसे देते हैं आप लोग? देते हैं, लेकिन इधर उधर होता रहता है। अच्छा, मतलब ये बारिश जिस वक्त होता है उस वक्त आप लोग कैसे जीते हैं यहाँ पे? वही परेशानी हालत में है। इतने परेशानी हालत में होने के बावजूद भी उच्च अधिकारी साहब लोग कभी ज्ञापन नहीं सौंपते हैं? पहुंचा है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधायक गंगा कुशवाहा थे, उनको हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। सुरेंद्र कुशवाहा जिला का सड़क दिखलाए। रामापति त्रिपाठी उनको दिया गया। नहीं, ये बताइए अभी तक कोई नेता या कोई अधिकारी इस ग्राम सभा में नहीं आया देखने के लिए कि यहाँ का व्यवस्था क्या है? एक बार हम सुरेंद्र कुशवाहा को हम बुलवाए विधायक जी को। हाँ, विधायक जी को बुलवा कर हम पैदल चलवाए सड़क पर, पैदल चले, यही को भी फोन किए, ये सड़क तत्काल बन जाना चाहिए। प्रधान जी के फोन लोग किए, विधायक जी से तत्काल एक खड़ंजा करा दीजिए माटी भरवा कर। प्रधान भी नहीं सुने, विधायक बार बार हम लोग फोन करते हैं, विधायक भी नहीं सुनते हैं। हो जाएगा। बाकी जो ग्रामीणों को जो सुविधा मिलता है सरकार द्वारा, क्या आप लोगों का शौचालय, आवास, ये सब चीज मिला है? कुछ भी नहीं मिला। नाम है आपका? नाम क्या है? बनवी। घर कहाँ है आपका? ये कौन सा गांव है? बतरौली धुरखाणवा। अच्छा, ये बतलाइए कि आप लोग मतलब विकलांग हैं क्या?
अच्छा हाँ दिखाना बाबू अच्छा ये बताइए सरकार द्वारा कोई सुविधा मिला है अभी तक? हमारे को नहीं मिला है। ना। अच्छा यहाँ के नज़दीकी जो प्रधान है उनसे सूचित किए आप लोगों की हमारे घर विकलांग है कोई कमाने वाला नहीं है? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि कौन है प्रधान आपके यहाँ के? झुनकुन है जी। क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे यहाँ सड़क का प्रॉब्लम है, दुदही से और दुबौली मार्ग जो है आज तक नहीं कंप्लीट हुआ, पूरा कच्ची कच्ची है। और हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है पथरौली दुर्क्रमा में, जो कि दुदही जाने के लिए यहाँ से बच्चों का गांव से स्कूल आने के लिए बहुत दिक्कत होता है, कोई रास्ता नहीं है, पूरा कच्ची है। इसको लेकर आप कभी मांग किए हैं? मांग तो हम विधायक गंगा कुशवाहा थे उस समय भी हम लोग अप्लीकेशन दिए, सुरेंद्र कुशवाहा उनके लड़के हैं उनको भी हम लोग बुलाकर एक बार रास्ता दिखलाए, रामापति राम त्रिपाठी सांसद हैं उनको हम लोग भी कई बार अप्लीकेशन दिए हैं। क्या नहीं निदान हुआ समस्या का निदान? हाँ निदान हुआ। सड़क की समस्या बता रहे थे आप लोग जी, जी क्या समस्या आ रही है? अभी तक बना नहीं, पूरा गड्ढा गड्ढा ही है। कब से पिछले प्रधानी में भी नहीं बना? पिछले प्रधान एक कम मान लीजिए हमारा होश हुआ तब से जो है सड़क हम देख रहे हैं सही है, कच्चा सड़क है जी। सड़क का निर्माण अब फाइनेंशियल ईयर जो है आपका प्रधान जी का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है 41 लाख रुपए जी, तो उसमें कार्य योजना उनके द्वारा बना के नहीं दिया गया है? अब ये तो हमको मालूम नहीं है कि दिया गया है कि नहीं, ऐसे कि हम लोग उससे राजनीति से बहुत दूरे रहते हैं, जो सदस्य लोग हैं वही बताएंगे। और क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में? हमारे यहाँ मान लीजिए आवास जो है बहुत लोगों को मामूली मिला है, इस प्रधानी में तो लगता है कि नहीं मिला शायद, और जो लाइटिंग बाकी और लोग हैं जो समस्या बताना चाहते हैं जी जी। अरे आप क्या नाम है आपका? समूह गुप्ता। क्या समस्या है आप क्या चाहते हैं? हमने सड़क तो बनले नहीं बा, देश आजाद भेल तब से बोले कचिए बा, आ जोगी जी गड्ढा मुक्त कराते बोले गढ़े रह गए, बारिश आवता तो लोग गिरता धड़म धड़म। एम्बुलेंस आने की समस्या थी, क्या समस्या होती है बरसात में? कहाँ आता है एम्बुलेंस, उधर ही फंस जाता है। खींचना पड़ता है ट्रैक्टर लगाते हैं, ट्रैक्टर लगा खिंचाई होता है तो आएगा इधर। आपकी क्या समस्या, क्या आप कहेंगे? क्या नाम है? हम लोग ये समझ में आता है बतरू खड़ा गरम साभा कि उत्तर प्रदेश के निवासी ये नहीं है, सीधी बात यह है आज तक कोई मंत्री या विधायक कोई लोग ध्यान नहीं दिए, पत्र हम लोग देते रह गए, दौड़ते रह गए, दौड़ा दौड़ते हम लोग बैठ गए। ग्राम सचिव से इस संबंध में मिले हैं, ग्राम सचिव क्या कह रहे हैं? ग्राम सचिव से कहाँ गया है ये इस समय, तो मान लीजिए ग्राम प्रधान को सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी है, प्रधान है या सब कुछ वही उन्हीं के समझिए। हाँ कोई कार्य योजना के तहत कोई कार्य योजना नहीं, उनको बुलाया जाता है नंबर भी नहीं उठता है, उनको बात भी नहीं करते हैं, ब्लॉक पर आते हैं ब्लॉक पर चले जाते हैं घर, दिल्ली चले जाते हैं। 2-2.5 साल हो गया प्रधानी के चुनाव को लेकर, अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है? कोई काम नहीं किया गया, सर्वे चलकर सर्वे कर लीजिए देख लीजिए सड़क, हम लोग सच्चाई बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? चाचा कुछ कहेंगे, क्या समस्या है? क्या समस्या, जो बाबू साहब कह रहे हैं उस बात से हम लोग सहमत हैं, और सदियों बीत गया इस सड़क के लिए कोई अधिकारी नहीं आते हैं, ना ग्राम सभा के कोई जो हमारे प्रधान हैं या सदस्य जो भी कुछ हैं, इसलिए कोई लोग मतलब ध्यान नहीं देते हैं। इस संबंध में आप लोग सचिव से मिले हैं? जी नहीं, हम लोग तो नहीं मिले हैं, बाकी ये लोग मिले हैं, ग्राम सभा के जो ग्राम सभा के प्रधान हैं सदस्यगण हैं ये लोग सब मिले हैं, कहे भी हैं, बस आश्वासन देते हैं कि बस हो जाएगा और होता कुछ नहीं है। ठीक, बरसात आता है तो सड़क बंद हो जाता है, 4 किलोमीटर का दूरी हम लोग आते हैं, ये स्कूल है। मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कुछ मांग करेंगे सरकार से, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग क्या करना, बस तो यही है कि हमको मतलब सड़क और लाइट का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था, स्कूल में थोड़ा सा परेशानी है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, चोरी चमारी होती रहती है, कभी साइकिल आता है, कभी बता रहे हैं हम सर्वे किए हैं, ये शौचालय भी यहाँ कम्प्लीट नहीं है। कौन विद्यालय है ये? अरे प्राइमरी पाठशाला है, प्राइमरी कॉम्पोजिट विद्यालय,